हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने लूसेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है। लूसेंट सीरीज में हमने हिस्ट्री यानी इतिहास को स्टार्ट किया है। इतिहास पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर लूसेंट सीरीज में 2 वीडियो डाल चुके हैं, लूसेंट पार्ट 1, लूसेंट पार्ट 2, लूसेंट पार्ट 3। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट पार्ट 3 पर। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से लूसेंट वाली प्लेलिस्ट ओपन करें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखा करें, ताकि आप बेहतर ढंग से, बढ़िया तरीके से, स्टेप बाय स्टेप वर्डों को समझ सकें और बेहतर ढंग से इतिहास का अध्ययन कर सकें। हम अकॉर्डिंग टू लूसेंट के अनुसार चल रहे हैं। ये हम आपको सभी पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरीके से हमको चलना है, लूसेंट को हम किस तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम बात करते हैं पार्ट 3 पर। इसमें हम बात करेंगे यजुर्वेद पर। पार्ट 2 में बात की थी हमने ऋग्वेद पर, लेकिन पार्ट 3 में हम बात करेंगे आज इस वाले वीडियो में यजुर्वेद पर। तो पूर्ण तरीके से हम यजुर्वेद को कवर करेंगे। यजुर्वेद का अर्थ, यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसके कितने अध्याय हैं, कितने इसमें मंत्र हैं, इससे रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट को हम कवर करने वाले हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने प्रत्येक फैक्ट को ही इसी वीडियो में कवर किया है यजुर्वेद से रिलेटेड। तभी तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दे रहे हैं, इससे पहले हमने ऋग्वेद पे दिया है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बात करते हैं यजुर्वेद पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है यजुर्वेद शब्द बनता कैसा है। ठीक है, देखिए, यजुर्वेद शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, यजुस प्लस वेद। ठीक है, तो यजुस प्लस वेद से मिलकर बना है यजुर्वेद। अब देखिए, यजुस प्लस वेद मिलकर बन रहा है यजुर्वेद। तो यजुस शब्द का अर्थ है, यानी यजुस किसको कहा जाता था, यजुस कहा जाता था यज्ञ के समय कहे जाने वाले गदात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता था। यानी वैदिक काल में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो यजुर्वेद था, इसमें जो यज्ञ के समय में जिन मंत्रों का गायन किया जाता था गदात्मक शैली में, ठीक है, तो उनको कहा जाता था यजुस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यजुस कहा जाता था। वेद शब्द का अर्थ है, वेद किसे कहते हैं, वेद कहते हैं ज्ञान की राशि को। वेद शब्द का अर्थ क्या है, वेद शब्द का अभिप्राय किसे है, ज्ञान की राशि से। तो अब देखिए, अब यजुर्वेद का एग्जैक्ट अर्थ क्या बनता है। देखिए, आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि बलि के समय मंत्रों या नियमों के संकलन को ही यजुर्वेद कहा जाता है। यानी ऐसा लूसेंट में लिखा हुआ है कि जिन मंत्रों या जिन नियमों का संकलन बलि के समय किया जाता था, उनको ही यजुर्वेद के बंधन में रखा गया है। यजुर्वेद का संकलन किया गया है, उन्हीं से मिलकर बना है यजुर्वेद। ठीक है, कि बलि के समय के मंत्रों और नियमों के संकलन से मिलकर बनता है यजुर्वेद। ठीक है, जिस तरीके से ऋग्वेद का अर्थ क्या था, ऋग्वेद का अर्थ था रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, या फिर रचाओं के संकलन को ही ऋग्वेद कहा जाता है। तो उसी तरीके से बलि के समय मंत्रों और नियमों के संकलन को ही यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से लूसेंट में लिखा हुआ है। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो, यजुस प्लस वेद 2 शब्दों के मेल से बन रहा है यजुर्वेद। यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञ के समय कहे जाने वाले गदात्मक मंत्रों को, जबकि वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित करते हैं कि यज्ञ के समय कहे जाने वाले गदात्मक मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान को ही यजुर्वेद कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप इनको बढ़िया तरीके से समझ चुके हो, यजुर्वेद शब्द का अर्थ को। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के रचना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं यजुर्वेद से। देखिए, यजुर्वेद की रचना से संबंधित तथ्य की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई थी, जबकि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, सप्त सैंधव प्रदेश में, या फिर सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी ऋग्वेद की रचना। जबकि अब इसकी कहाँ पे हो रही है, यजुर्वेद की रचना हुई है कुरुक्षेत्र के प्रदेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देखिए, ऋग्वेद की स्थापना कब हुई थी, सन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता था ना। जबकि अब इस पे, यहाँ पे देखो, यजुर्वेद की रचना हुई है 1400 से 1000 ईसा पूर्व की। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई, यजुर्वेद की रचना हुई है 1400 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में यजुर्वेद की रचना हुई थी, जबकि ऋग्वेद की हुई थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हो। अब देखिए, इसमें यजुर्वेद में
कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में कितना अध्याय है? 40 अध्याय हैं। मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या है 3988। 3988 यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है, जबकि कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या की बात हम करें तो 10462 हैं। ये ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10462। ये सब मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी आपकी रिपीटिंग के लिए मैं रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जबकि यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? यजुर्वेद में 3988, ठीक है, 3988, 3988 मंत्र हैं यजुर्वेद में, जबकि अध्याय कितने हैं? अध्याय 40 हैं। और ऋग्वेद में मंडल कितने थे? मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 थी, ये सब आप जानते हो। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, कंडिकाएँ। कंडिकाओं की संख्या कितनी थी यजुर्वेद में? 1975। कंडिकाओं की संख्या थी यजुर्वेद में 1975 कंडिकाएं थी यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। अब कंडिकाओं का अर्थ क्या होता है? कंडिकाओं का अर्थ है रचाओं का समूह, मंत्रों का समूह। देखिए, टोटल मंत्र कितने थे? 3988 थे, ठीक है, 3988। लेकिन इन मंत्रों को कितने समूहों में बांटा गया? इन मंत्रों को बांटा गया 1975 समूहों में। कितने में? 1975 समूहों में बांटा गया। और इन्हीं 1975 समूहों को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? कंडिकाएं, ठीक है। क्या नाम दिया गया? कंडिकाएं नाम दिया गया, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि कंडिकाओं की संख्या या फिर रचाओं के या फिर मंत्रों की संख्या कितनी थी? 1975 थी यजुर्वेद में, ठीक है। अब देखिए, यजुर्वेद एक ऐसा वेद था जो गदात्मक शैली में भी लिखा गया है और पदात्मक शैली में भी लिखा गया, ठीक है। यानी यजुर्वेद के अंतर्गत जितने मंत्र हैं उन सभी मंत्रों का गायन गदात्मक शैली में भी होता है और पदात्मक शैली में होता है। ये केवल एक यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जिसमें दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है, जबकि बाकी तीन शैलियों का प्रयोग, यानी बाकी तीन वेदों में पदात्मक शैली का ही प्रयोग होता है, ठीक है। किसका? पदात्मक शैली का प्रयोग हुआ था तीन अन्य वेदों में, जबकि यजुर्वेद में केवल यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको पार्ट टू में भी बता चुका था। अब देखिए, जो गदात्मक ग्रंथ थे, सॉरी ग्रंथ नहीं, जो गदात्मक मंत्र थे, उन मंत्रों को क्या कहा जाता था? यजुस कहा जाता था, ऊपर मैंने बताया ना आपको। अब पदात्मक शैली के जो मंत्र थे, यानी जो मंत्र पदात्मक शैली में लिखे हुए थे यजुर्वेद के अंतर्गत, वो मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद से लिए गए थे। वो कहाँ से लिए गए थे? ऋग्वेद और अथर्ववेद से लिए गए थे पदात्मक शैली के मंत्र, ठीक है। इसमें दोनों शैलियों के मंत्र हैं, दोनों शैलियों में मंत्र लिखे हुए हैं यजुर्वेद में। एक हो गया गदात्मक शैली, एक पदात्मक शैली। तो जो गदात्मक शैली के जो मंत्र थे उनको यजुस कहा जाता था, जो पदात्मक शैली के मंत्र थे वो मंत्र ऋग्वेद से लिए गए थे, ठीक है, और अथर्ववेद से लिए गए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। अब ऋग्वेद से मंत्र जो लिए गए उनकी संख्या थी 663, यानी 663 मंत्रों को ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद में भी रखा गया, ठीक है। 663 मंत्र ऋग्वेद से लिए और यजुर्वेद में लिए रख दिए, तो भाई सीधी बात है, ऋग्वेद तो पदात्मक शैली में लिखा हुआ था तो वो मंत्र पदात्मक शैली के थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करते चलें तो 663 मंत्रों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन 663 मंत्रों में गायत्री मंत्र भी शामिल था और महामृत्युंजय मंत्र भी शामिल था। मैंने बहुत डिटेल से बताया है पार्ट टू में गायत्री मंत्र क्या था, मृत्युंजय मंत्र क्या था। गायत्री मंत्र का वर्णन हमको मिलता है मंडल 3 में, जबकि महामृत्युंजय मंत्र का मंत्र का उल्लेख हमको मिलता है मंडल 7 में। मंडल 3 और मंडल 7 मैंने बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल से पार्ट 2 में बताया है। और गायत्री मंत्र ये किसको समर्पित था? ये सूर्य देवता को समर्पित था, ठीक है। मृत्युंजय महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये मंडल 7 में इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के मंडल 7 और मंडल 3 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इतना आप सभी जानते हो। आशा करता हूँ कि ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया तरीके से नोट भी बना सकते हो आप नोट्स, ताकि आपको भटकने की जरूरत ना पड़े इस या जब भी आप ऋग्वेद पढ़ें या यजुर्वेद पढ़ें, तो एक ही बार नज़र मारने से आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। अब हम यजुर्वेद की शाखाओं की बात करें तो इसकी दो शाखाएँ हैं, कृष्ण यजुर्वेद हो गया एक शुक्ल यजुर्वेद हो गया, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो जो ये कृष्ण यजुर्वेद था ये दक्षिण भारत में प्रचलित था,
ये किस में था, दक्षिण भारत में प्रचलित था जो, और शुक्ल यजुर्वेद था ये उत्तर भारत में प्रचलित था, ठीक है। ये कहाँ पे प्रचलित था, ये उत्तर भारत में प्रचलित था, ये दो शाखाएं थी यजुर्वेद की, ठीक है। अब देखिए उपवेद की बात करें हम, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था, पहला जो उपवेद था वो था आयुर्वेद और उसके रचयिता था धन्वंतरी, ये सब मैं डिटेल से बताया हूँ ऋग्वेद में, ठीक है। तो अब हम यजुर्वेद के उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद था धनुर्वेद, क्या था, धनुर्वेद, और इसके रचयिता था विश्वामित्र, इसके रचयिता कौन था, विश्वामित्र था। अब देखिए यहाँ पे ये एक नोट इम्पोर्टेंट, धनुर्वेद में धनुर्विदा का उल्लेख मिलता है, सैन्य विज्ञान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो यजुर्वेद का उपवेद हो गया धनुर्वेद उपवेद, ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और धनुर्वेद में धनुर्विदा का उल्लेख किया गया है और सैन्य विज्ञान का भी नाम इसको दिया गया है, या सैन्य विज्ञान का भी उल्लेख धनुर्वेद के उपवेद में मिलता है, सॉरी धनुर्वेद के उपवेद में नहीं, ये यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद में मिलता है, ठीक है। इसके रचयिता कौन थे, धनुर्वेद के रचयिता थे विश्वामित्र। यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे कवर किया स्टेप बाय स्टेप वर्डों को। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख, भाई यजुर्वेद में भी ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के उल्लेख की बात यदि हम करें तो देखिए दो शाखाएं थी यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद हो गया और शुक्ल यजुर्वेद हो गया, ठीक है। अब जो कृष्ण यजुर्वेद में जो धार्मिक सॉरी जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था तैतरीयी ब्राह्मण ग्रंथ, यानी जो तैतरीयी ब्राह्मण ग्रंथ, इसका उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, और यजुर्वेद की शाखा कृष्ण यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित तथ्यों की जब हम बात करते हैं तो जो दो ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख हमको मिलता है यजुर्वेद में, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के, यजुर्वेद की शाखा शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हमको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद की शाखा कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत हमको तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलें। उपनिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हम करें, यजुर्वेद के उपनिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हम करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए दो शाखाएं थी यजुर्वेद की, इतना आप सभी जानते हो। उन दो शाखाओं में देखिए कृष्ण यजुर्वेद और एक दूसरी शाखा थी शुक्ल यजुर्वेद। अब जो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत जो यजुर्वेद के उपनिषद आ रहे थे वो थे तैतरीय उपनिषद, ठीक है, तैतरीय उपनिषद, ठीक है। ये कृष्ण यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत आ रहा था, यजुर्वेद की शाखा कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत तैतरीय उपनिषद आ रहा था। कठोपनिषद भी इसी के अंतर्गत आ रहा था, कठोपनिषद हो गया एक, एक हो गया श्वेताश्वर उपनिषद, एक क्या हो गया श्वेताश्वर उपनिषद भी इसके अंतर्गत आ रहा था, एक हो गया मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद भी इसके अंतर्गत आ रहा था। जो कृष्ण यजुर्वेद, जो यजुर्वेद की शाखा थी, एक इसके अंतर्गत चार उपनिषद आ रहे थे, वो कौन कौन से थे, एक हो गया तैतरीय उपनिषद, और तैतरीय नाम से ब्राह्मण ग्रंथ भी था, ठीक है, वो भी कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। कठोपनिषद, कठोपनिषद भी इसी के अंतर्गत आ रहा था, और श्वेताश्वर उपनिषद भी इसी के अंतर्गत आ रहा था, और मैत्रायणी उपनिषद भी यजुर्वेद की इसी शाखा के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। अब शुक्ल यजुर्वेद की बात यदि हम करें तो इसके अंतर्गत दो ही उपनिषद आ रहे थे, ठीक है, इसके अंतर्गत चार आ रहे थे कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत, लेकिन इसके अंतर्गत दो उपनिषद आ रहे थे, एक हो गया बृहदारण्यक, बृहदारण बृहदारण्यक बृहदारण्यक, ठीक है, एक हो गया, एक शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हो, एक हो गया बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, और दूसरा हो गया ईशोपनिषद, दूसरा कौन सा हो गया ईशोपनिषद, ये दो उपनिषद इसके अंतर्गत आ रहे थे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि देखिए यजुर्वेद से रिलेटेड हमने प्रत्येक फैक्ट को इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया, यानी कवर कर लिया है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप हमारी यदि अन्य वीडियो की को देखना चाहते हो, या हमारे साथ लूसेंट सीरीज के माध्यम से आप लूसेंट को कवर करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट में टॉपिक भी बताया करें कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, तो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।